आप मेरे से दूसरी शादी कर लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। एक शादीशुदा लड़की से इस तरह से पूछना बहुत ही गंदा लगता है। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी ना करें आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही घटिया सा क्वेश्चन है। Hey guys, welcome back to my new Q&A video. तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे न्यू Q&A video में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है guys, क्योंकि इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग कमेंट आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है जो आमतौर पर आते रहते हैं, तो उनका क्वेश्चन का आंसर दे लेते हैं, फिर उसके बाद आप सभी को बताते हैं कि आज का वीडियो में सबसे खास क्या होने वाला है। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन आया था, इनका नाम नहीं शो कर रहा है, तो ये पूछ रहे हैं कि आपकी एज क्या है। तो गाइस शादी किए हुए 3 साल हो गया और शादी से 1 साल पहले ही मेरा BA फाइनल हो चुका था, तो मेरी एज यही 23-24 साल के लगभग मेरी उम्र है। तो गाइस सेकेंड क्वेश्चन है अनीस जलवा का, और अनीस जलवा हो सकता है इनका आईडी हो और टाइटल भी हो सकता है। और ये लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अप्पी। वालेकुम अस्सलाम सबसे पहले आपको, और ये बोलते हैं मैं आपसे मिलके आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, और आप बताइएगा जरूर, आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त मुझे दे सकती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, आप आइए इंटरव्यू लीजिए, शौक से लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो खुशी होगी। और आप कहाँ से हो, और मेरे गाँव का नाम तो आप सभी जानते ही हैं, धानापुर बनारस में, बनारस के बगल में धानापुर चंदौली से हैं, तो आप आ सकते हो, एकदम शौक से आइए इंटरव्यू लीजिए, हम रेडी हैं। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन है इरफान अंसारी का, और ये पूछते हैं कि आप यूट्यूब से कितना कमा लेती हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन तो बहुत सारे लोग करते हैं और अक्सर Q&A में 10-5 आ ही जाते हैं, तो और भी लोग किए हैं, ये इरफान अंसारी भाई भी किए। तो गाइस मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा यूट्यूब पेमेंट इतना आ जाता है कि मैं एक 5G फोन आराम से हर महीने ले सकती हूँ, अच्छा खासा इतना मेरा पेमेंट आता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप रेसिपी का भी ब्लॉग बनाया करें, क्यों नहीं बनाती हैं, और आंसर में मेरा चैनल जरूर, मेरे चैनल का जरूर नाम ले लीजिएगा। तो गाइज इनके चैनल का नाम है ए सेलेक्टिव वीडियोस, और इनका चैनल है हमको लगता है जहाँ तक, और इन्हें रेसिपी का वीडियो चाहिए, तो इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत रेसिपी का लिया था, और मैं ये सोच भी रही हूँ कि मैं हर वीडियो में थोड़ा बहुत रेसिपी का या घर पर जो भी बनता है मैं उसका थोड़ा बहुत हर वीडियो में मिक्स कर लूँ। तो इनका ये क्वेश्चन था। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी हदीबा का, और ये पूछती है कि आपके फैमिली में कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं, इनके कहने का मतलब है। तो रानी हदीबा जी सबसे पहले आप हमको ये बता दीजिए कि हमारी कौन सी फैमिली मायके या ससुराल, क्योंकि रहते मायके में है और असली परिवार लड़की का तो शादी बाद ससुराल ही होता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मायके की फैमिली में आप पूछ रही हैं ससुराल के, तो नेक्स्ट Q&A में हम आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तो गाइस सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बारी है अभी, और ये पूछते हैं, इनके चैनल का नाम है वेलकम शॉर्ट 750, तो मैं स्क्रीन पे भी दिखा दे रही हूँ आप सभी को। और प्लीज यार इस तरह के क्वेश्चन आप लोग प्लीज ना किया करें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, एक शादीशुदा लड़की से इस तरह से पूछना बहुत ही गंदा लगता है। तो प्लीज़ प्लीज़ दोबारा ऐसा क्वेश्चन आप प्लीज़ ना करें, और कोई दूसरा भी ऐसा क्वेश्चन ना करें जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंदा लग रहा है सुनने में भी, देखने में भी और बोलने में भी। तो गाइस मैं आप सभी को बता देती हूँ, इनका क्वेश्चन है आप मेरे से दूसरी शादी कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो गाइस कैसा लगेगा एक शादीशुदा लड़की को ये सुनकर, वो भी अपने हस्बैंड के साथ जो वीडियो शूट कर रही है, अपने हस्बैंड के साथ कमेंट पढ़ती है, अपने हस्बैंड के साथ 24 घंटे रहती है, और उसी से कहा जाए कि आप प्लीज़ मुझसे दूसरी शादी कर लो, तो उसको कैसा लगेगा और हस्बैंड को कैसा लगेगा। तो गाइस प्लीज़ बहुत ही बुरा लगा मुझे सुन के, तो प्लीज़ ऐसा क्वेश्चन, और उल्टे सीधे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं लोगों के, कमेंट बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे आते हैं, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी ना करें आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही घटिया सा क्वेश्चन है। तो चलिए कोई बात नहीं, उतना भी बुरा नहीं लगा लोगों का काम ही है उल्टा सीधा बोलना, क्या कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी बहुत सारे लोग किए हैं, तो मैं इनका भी क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दूंगी, जितने लोग किए हैं बारी बारी करके सभी का, और मैं अभी इनका क्वेश्चन पढ़ी, उनका नाम है जहीद उमर। तो ये बोलते हैं शादी अपी आपके विलेज का क्या नाम है, और आपका लैंग्वेज हमारे घर की तरह मिलता है, इनके घर की लैंग्वेज की तरह। तो हमारे विलेज का नाम है धानापुर और चंदौली जिले से हम हैं, बनारस का नाम तो आप सुने ही होंगे, बनारस के बिल्कुल बगल में ही हमारा गांव है, कस्बा है। तो हम लोग का लैंग्वेज कभी कभी ब्लॉग में सुनने को मिलता होगा, और बहुत सारे लोग लैंग्वेज को लेके कमेंट भी करते हैं गाइज।
तो फाइनली गाइज अभी हफ्सा की बारी है और हफ्सा पूछती हैं दो क्वेश्चन। इनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि खालू का जो चैनल है, इनका मेरे हस्बैंड का भी एक चैनल था एच के टेक ऑफिशियल करके, तो वो पहले उस पर टेक वीडियो अपलोड करते थे। तो वो पूछती हैं कि खालू का जो चैनल है उस पर अब वो वीडियो क्यों नहीं अपलोड करते हैं, उस पर अब वीडियो क्यों नहीं डालते, और उनका पेमेंट आता था या नहीं। तो हफ्सा उनका पेमेंट, उनका चैनल मोनोटाइज नहीं हुआ था, वैसे उन्होंने बहुत ही कम दिन काम किया और बहुत ही कम ही वीडियो उस पर डाले थे, तो उन्होंने छोड़ दिया, और डाले होते तो इंशाल्लाह उनका मोनोटाइज हो ही गया होता, लेकिन उन्होंने अपना वीडियो ही नहीं डाला। और उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजल का चैनल मोनोटाइज हुआ है कि नहीं। तो हफ्सा एजल का भी चैनल मोनोटाइज नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग इन दोनों चैनल पर काम ही नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही चैनल पर काम करते हैं जो हम लोग का फाइट फॉर यू है, और इसी पर पेमेंट आता है, यही चैनल मोनोटाइज है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज MD नजमुस साकिब का, और ये पूछते हैं कि, ये पूछते नहीं है, ये बोलते हैं, और इनका कहना है कि आप अपने गांव के लैंग्वेज में एक वीडियो बनाइए प्लीज़, आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है। और इनका एक और कमेंट है, अभी मैं आप लोग को बता देती हूँ। हाँ, गांव के लैंग्वेज में बात करा करें प्लीज़, मतलब इन्हें हम लोग के गांव की लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है, तो इनका कहना है कि आप प्लीज़ अपने गांव के लैंग्वेज में वीडियोज़ डालिए, या वीडियो में अपने गाँव के लैंग्वेज में बात करिए। तो गाइज़ इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हम लोग थोड़ा बहुत अपने गांव के लैंग्वेज में भी बात करें, और यहाँ की लैंग्वेज भी आप सभी को सुनाएं, बहुत सारे लोगों को ऐसे जैसे कि बैठी हुई है, अजल कहाँ करो तू बेटा, ऐसे बोलते हम लोग कहाँ करो तू, वो भी बोल दी बिंदी निकाला थी तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं गाइज, क्या करो तू, कहाँ खा तू, कहाँ जा तू, और ऐसे हम लोग का, जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं हम लोग, अजल तो बहुत ज्यादा बोलती है, हम लोग के गांव का ही लैंग्वेज बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज जुहैर खान का, जुहैर खान सासुशी ऐसे ही पूछते हैं, अभी कभी कभी आप रेसिपी का भी ब्लॉग डाल दिया करिए। तो गाइज जैसा कि कभी कभी देखने को मिल जाता है हम लोग के ब्लॉग में रेसिपी का थोड़ा बहुत वीडियो, लेकिन सिर्फ रेसिपी का वीडियो मैं नहीं डाल पाती हूँ। तो अगर ऐसा है, अगर आप सभी को पसंद है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी का वीडियो हम अपने ब्लॉग में डालें। वैसे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अपने हर ब्लॉग में थोड़ा बहुत रेसिपी का ज़रूर दें, हम लोग के यहाँ खाना किस तरह से बनाया जाता है, कौन कौन सी डिश, कौन कौन से तरीके से हम लोग बनाते हैं, तो ये मैं इंशाल्लाह आगे से दिखाने की कोशिश करूँगी। और आप लोग को रेसिपी का ब्लॉग चाहिए और किस किस चीज़ की रेसिपी का ब्लॉग चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि आप कहाँ से हो, आपकी एज कितनी है, आपका नाम क्या है, आपके गांव का नाम क्या है। तो बहुत सारे लोग करते हैं इसी तरह के क्वेश्चन, और अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया हो गाइस तो उसके लिए सो सॉरी, ऐसे ही आप लोग कमेंट करते रहिए और हम ऐसे ही Q&A वीडियो डालते रहेंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ क्वेश्चन करिएगा, और आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर सभी को, अस्सलाम वालेकुम।